तो ये देखिए हमारा आलू और देसी मटर की सब्ज़ी बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें, ये देखिए कितना लजीज देखने में लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये बनता ही इतना टेस्टी, आप भी अपने घर पे इसे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजू के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और देसी मटर की रसदार सब्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने देसी मटर लगभग 150 ग्राम के आसपास लिया, उसे रात भर पानी में भिगोने के लिए छोड़ दिया लगभग 10 से 12 घंटे। तो 12 घंटे के बाद हमारा कुछ इस प्रकार का मटर तैयार हो गया फूल के फ्रेंड्स। अब हम इसे कुकर में बॉईल करेंगे, इसे और आलू को एक साथ बॉईल करेंगे हम। तो ये देखिए हमारा फाइनली मटर और आलू इस प्रकार बॉईल हो चुका है। इसे हम 3 से 4 सीटी लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। हमें आलू को ज़्यादा पकाना नहीं है फ्रेंड्स, इतना पकाना है कि उसका छिलका अलग ना हो पाए। तो अब हम आलू को छील के इसे एक आलू को 4 टुकड़े में करेंगे। ये हमारा मीडियम साइज़ का आलू है, मीडियम से थोड़ा सा छोटा आप मीडियम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सारे आलू को हमने काट लिया है। और ये मटर हमारा देखिए बॉयल होने के बाद इस प्रकार से दिख रहा है। और आलू का हमने एक आलू को 4 भागों में काटा था, तो कुछ इस प्रकार से उसका साइज बना है। और प्याज हमने लगभग 250 ग्राम के आसपास लिया फ्रेंड्स, उसे बिल्कुल लंबे लंबे शेप में काटा। और मिर्च 4 से 5 हमने 2 भागों में काट के लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद तेल में हमने पंचफोरन डाला फ्रेंड्स, ये लगभग छोटी चम्मच से 1 चम्मच हमने पंचफोरन डाला है इसमें। आपको पंचफोरन नहीं पसंद हो तो आप जीरा डाल सकते हैं, हमने यहाँ पंचफोरन डाला है। पंचफोरन में इसका टेस्ट और ही ज़्यादा बनता है। तो अब हम इसमें प्याज और कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। तेल हमने यहाँ पे फ्रेंड्स लगभग 100 ग्राम के आसपास लिया है। और आलू जो हमारा वेट में था लगभग 600 ग्राम के आसपास, 600 से 700 ग्राम के आसपास। तो अब हम प्याज को इसे ढक के पकाएंगे। तो ये देखिए प्याज को हम ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए हमारा प्याज। तो ये देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। नमक आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें, आप जैसा कम ज़्यादा खाते हो। तो नमक डालने के बाद अब इसे हम मिला लेंगे फ्रेंड्स। तो फिर से इसे कवर करेंगे। तो अब देखिए इसे हटाएंगे फिर कवर को। तो ये देखिए हमारा प्याज ये लगभग भुन चुका है। तो अब हम यहाँ पे लहसुन अदरक और एक सूखी मिर्च और जीरा मिर्च का पेस्ट हमने तैयार किया था, तो उसे हम ऐड करेंगे। अदरक फ्रेंड्स हमने 1.5 इंच के आसपास लिया है, 8 से 9 लहसुन की कलियाँ और आधी चम्मच जीरा और मिर्च का मिश्रण हमने लिया है। मिर्च का दाना हम लोग लगभग 6 से 7 दाना हमने लिया था उसका, काली मिर्च। और एक हमने सूखी मिर्च इसी में पेस्ट कर लिया था, सबको ग्राइंडर जार में पीस लिया था। तो अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ चुका है फ्रेंड्स। मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे फ्रेंड्स, बस 3 मिनट में हमारा मसाला भुन जाता है। तो अब हम सूखी मसाला इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई। तो इसमें 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ी सी कम जीरा पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के आसपास हमने काश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान देंगे आप इसमें इतना ज़्यादा तीखा ऐड नहीं करेंगे, वैसे आपको पसंद हो तो ऐड कर सकते हैं। तो हमने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया क्योंकि हमने मिर्ची पहले ही पीस रखा है, सूखी मिर्च और हरी मिर्च भी हमने इसमें ऐड किया है। तो अभी से थोड़ी सी पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूनेंगे। पूरे मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे फ्रेंड्स,
मसाले को भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट का ये प्रोसेस लगेगा। तो ये देखिए हमारा मसाला फाइनली भून चुका है, ये देखिए तेल भी छोड़ चुका है, कितना अच्छा मसाला हमारा भुना है। तो अब हमने 2 आलू को अच्छे से मैश कर लिया था ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बन सके, हमें इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। तो उस आलू को पीस के हमने डाला है और अब हम यहाँ पे मटर ऐड करेंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप इस रेसिपी को बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनने वाला है फ्रेंड्स। यूट्यूब पे पहली बार ये रेसिपी बन रहा है, अभी तक किसी ने ये रेसिपी को नहीं डाला है। ये देसी सूखी मटर जो है और आलू की सब्ज़ी, तो अब हम इसमें आलू भी ऐड कर लेंगे। मटर को डाल के फ्रेंड्स हम 1 मिनट तक मटर को मिला के अच्छे से पका लेंगे। वैसे हमारा मटर बॉयल किया हुआ है, अच्छे से पक चुका है पहले ही, तो इसमें केवल हमें हल्के से मसाले के साथ भूनना है। तो ये देखिए हमारा मसाला और आलू मटर अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार ये रेसिपी है। इस देसी सूखी मटर को फुला के बॉयल करके अभी तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं बनाई है। तो हमने पानी डाल दिया, अभी से हमें 2 से 3 मिनट तक इसे उबालने तक पकाने लगे, क्योंकि हमारा सारा चीज़ पका हुआ है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे 1/2 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा गर्म मसाला ऐड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि गरम मसाला कोई भी चीज़ का टेस्ट बदल देता है, बहुत ही अच्छा कर देता है टेस्ट। तो ये देखिए हमारा फाइनली सब्ज़ी तैयार है बनके। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए है ना गर्मा गर्म बनके तैयार फ्रेंड्स, आलू और देसी मटर की सब्ज़ी, वही मसालेदार रसदार सब्ज़ी। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और इस प्रकार से आप बनाएंगे इस रेसिपी को तो बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए है ना बिल्कुल मसालेदार और रसदार सब्ज़ी। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, आप अपने घर पर बना के हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि किसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।